आ रहे हैं। ये हमारा दो नंबर गेट है, यहाँ पर लिखा है वेलकम टू NDU80। और यहाँ पर कुछ हमारे गार्ड लोग बैठे हैं जो NDU80 करते हैं। चलो भैया जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग, खाना वाना मतलब बहुत नाश्ता वास्ता भी करना है यार ब्रेकफास्ट। मेरा मुँह आना चाहिए भाई। अबे तुम्हारा मुँह नहीं आएगा भाई, तुम साले बिल्कुल साइकिल चला रहे हो ना, इसलिए। हमारे यूनिवर्सिटी में भैया इतनी सारी गाड़ियाँ बसें, मोटरसाइकिल दबाते ना करो, साइकिल में दबाते ना करो, और हाँ 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 वाह वाह वाह। अभी ये लोग पहुँच नहीं पाए, अभी ये लोग पहुँच नहीं पाए। ये देखो भैया फिर से संतोष भाई मिले। और हाँ भाई कॉलेज भाई अरे नहीं नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा क्या है। अरे चल चलते रहो। अबे भाई कॉलेज भी कोई नहीं जाएगा यार, चलते रहो चलते रहो चलते। हाँ एक दोस्त ने मेरे साथ बकचोदी की है, वो बता रहा था तुम उतर जाओ साइकिल से और मैं कॉलेज जाऊँ। इसका क्या लूँगे? ये भैया बहुत मस्त मस्त फ्लावर लगे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से हैं। अब इनको बोलते कहाँ हैं ये तो बताओ। ये चीनो पोड जैसी फैमिली में आता है, चीनो पोड जैसी जिसमें साले खरपतवार आते हैं। अबे बथुआ आता है उसमें। हाँ हाँ बथुआ आता है यार, बथुआ बथुआ मतलब कि वो सब्जी बनाई जाती है उसका, वो पैडी का एरिया ज़्यादा है ये। इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी रिसर्च फार्म, ये एग्रोनॉमी रिसर्च फार्म है। यहाँ पर एग्रोनॉमी की फसलें जैसे व्हीट हो गया, पैडी हो गया, पटेटो नहीं लग, पटेटो भी लगाया जाता है, लगाया जाता है। और यहाँ पर मकाई भी लगाई जाती है। और ये हमारा वाटर कंजर्वेशन, इसमें से सिंचाई क्या जैसे करते हैं, और मछलियाँ इसलिए नहीं पालते, मछलियाँ नहीं पालते। ये मेरा हॉस्टल बहुत अच्छा था, इसको मैं एक बार घटिया भी बोलता था, पर मैं इतने घटिया हॉस्टल में चला गया हूँ जिसकी मैं बात भी ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी सुविधाएँ अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल लल्ला टॉप हॉस्टल है, इसको जितने भी स्टार देना हो तो वो कम ही। नहीं हम नहीं, नहीं यार अभी नहीं मिनट लगना है। अब हम अपने हॉस्टल जा रहे हैं, बस थोड़ा बस जाएंगे बस आएंगे, ना साइकिल को ना चाहेंगे बस हॉस्टल में बस। यहाँ पर भैया फोर्थ ईयर वाले सर जी लोग रुके हैं, ये अनोमा हॉस्टल पुराना चाहिए। ये मेरा मदर हॉस्टल है जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर में रुके थे, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है। अबे अबे ब्रेक ब्रेक लगा ले भाई, वीडियो वीडियो नहीं पहुँच करूँगा, सामने सरस्वती है। अबे डाइट देख लेते, डाइट देख लेते, ये डाइट बहुत तगड़ी है हमारी। अबे ये इसमें मेरी राइट संकेत सर 29वीं। हाँ भाई ले लो। अबे यार इसका ये हमारे भैया ICR से हैं, ये एग्रीकल्चर। चलो भैया एंडिंग की तरफ आ गए हैं यार भैया, अपना भी रिव्यू ले लें कुछ थोड़ा सा, इतना खतरनाक यार वीडियो बना रहे हैं हम। अब हमने भैया फिर से वीडियो बनाना चालू कर दिया है। यार ये हॉस्टल की तो बातें ना करो यार, इसमें इतने सारे प्लांट फ्लावर लगे हैं, यहाँ का खाना भी लगने था, और यहाँ के सर जी ये वार्डन सर हैं। अरे वार्डन बोल बे, डीन डीन डीन, अरे डीन भी है ना पर वार्डन भी है ना, ये हॉस्टल के वार्डन है। चलो भैया हम लोग जा रहे हैं सीधा सा, हमारे कुछ लगता है सीनियर लोग आ रहे हैं जो रैकिंग वैकिंग भी कर सकते हैं मिग्री हमारे लोगों के साथ। चलो भैया देखते हैं कौन लोग हैं सामने ही। ये गर्ल्स हॉस्टल है और VC सर का, ये VC सर का ऑफिस, और यहाँ पर होम साइंस भी गर्ल्स हॉस्टल ही है। यार ये तुम्हारा ऑटो पे लगा है यार, मैंने यार बहुत गलत काम कर दिया, इसको ऑटो पे नहीं लगाना चाहिए, HDR पे लगाना चाहिए था। क्या हो रहा है, क्या कोई दिक्कत हो रहा है? ये सामने मेरी बैंक है जिसका नाम है PNB, और उसके लेफ्ट साइड में है SBI।
गुड मॉर्निंग सर। फोर्थ ईयर वाले सर लोग जा रहे हैं, इनकी क्लास क्लास होगी पर इनकी क्लास होती नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे हो गया तुम्हारा एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट, वो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी लोग जा रहे हैं हमारे फोर्थ ईयर, ये किसान भवन है जिसमें किसान लोग जैसे आते हैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो उस हॉस्टल में रुकते हैं। ये सर जी हैं जा रहे हैं। और ये हमारा है रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस में ये इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक प्रशासनिक भवन इसे हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा पार्क बना है। आर्टिकल तो चलोगे ना, थोड़े शर्ट से ले रहा हूँ। ये बढ़िया बना है, यहाँ पर सारे डिग्रियाँ उग्रियाँ सारा इसमें ही काम होता है, वर्क जितना भी डॉक्यूमेंट वर्किंग होता है सारा इसमें काम होता है। ये काफ़ी अच्छा है, अंदर पार्किंग बढ़िया बनी हुई, पार्क डेकोरेशन बहुत अच्छी है। आगे चलो, आगे ऑडिटोरियम है, ये है MSC का ऑडिटोरियम है। इसमें कन्वोकेशन होता है, जिससे फोर्थ ईयर वालों को, MSC वालों को जिनको डिग्री दी जाती है, जो फंक्शन होते हैं इसी में होते हैं सामने। और ये एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। चलो भाई यू टर्न होते हैं वहाँ से। ये हमारा हेलीपैड है और उसके पीछे बैक साइड में हमारा एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट ना। हाँ जी, हाँ, ये एग्रोनॉमी फार्म है, यहाँ पॉलीथिन वो बना है, पॉली हाउस है ये, पॉली हाउस। यार बहुत मज़ा आता है यार। ये मेरा डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का, सामने बिल्कुल जिसकी पीली पीली बाउंड्री है। यहाँ से ये मेन गेट नहीं है पर जा भी सकते हो। अबे यहाँ से मत चलो यार, तीन लोग होंगे यार। अच्छा रुको थोड़ा, ये मेरा कॉलेज है, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं और ये हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट, इसमें सारे ये लॉन बना है। यहाँ पर हम लोग ठंडी होती है, यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ते हैं और खेलते भी हैं। और सामने है परीक्षा भवन, हाँ। यहाँ से जाकर लेफ्ट मुड़ेंगे वहाँ से। चलो भैया साइकिल से फिर से सवारी करते हैं और चलते हैं अपनी हॉस्टल की ओर। और काफ़ी अभी जानकारी शेयर करनी अभी तो बाकी है। ये काफ़ी बड़ा बना यार, इसके अंदर जाने से बढ़िया लगता है। ये हमारा कॉलेज है भैया, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, यहाँ से मेन गेट है जाते हैं। काफ़ी सारी AC भी लगी हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें जाने से। चलो भैया चलते हैं हम। वही हमारा, हाँ हाँ भैया वही वही। देखो भैया कितना बड़ा सा जनरेटर रखा है, एग्जिट गेट है ये, यहाँ से मेन गेट भी बोल सकते हो। अच्छा गेट है, पर दोनों गेटों से जा सकते हैं। ये हमारा नरेंद्र उद्यान, यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर कुछ नहीं, जब भी कोई नेता वेता आते हैं तो यहीं पर आते हैं, यहीं पर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, स्वागत करते हैं और चले जाते हैं यहीं से। यहाँ पर बहुत बढ़िया नरेंद्र आचार्य नरेंद्र की बहुत अच्छी दो चूतिया हमारे दोस्त खड़े हैं यहाँ, इसमें काफ़ी मेरे फ्रेंड भी गए हैं और इनकी लेनी, ये देखो वो गए। चलो चलो छोड़ो इन मसालों को, छोड़ो यार। यहाँ पर है ये लैंडस्केप नर्सरी, यहाँ पर सारी फ्लावर जैसे हो गए, डिजाइनिंग डेकोरेशन वाले सारे प्लांट की यहाँ से। ये एजुकेशन म्यूजियम है और यहाँ पर काउंसलिंग होती है। ऑडिटोरियम सबसे पुराना क्या, किसका? वेटनरी वालों का ऑडिटोरियम, वेटनरी वालों का डिपार्टमेंट। ये हमारा है बायो टेक्नोलॉजी का, इसमें राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट प्लांट बायोटेक डाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी। हाँ इसमें बहुत अच्छी सर, हम लोग आते हैं कभी कभी, हफ्ते में एक दो बार क्लास लगती है, आते हैं।
पकड़ लेते हैं। ये हमारा है वेटनरी का ऑडिटोरियम, यूपी कैडेट इस समय प्रवेश परीक्षा मतलब वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू अभी काउंसलिंग चल रही है, एमएससी वालों की अभी चल रही है 27 से। वेटनरी वालों का लैब बना है और यहाँ ये क्लिनिक लैब है, यहाँ पर जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है जानवरों का, इसमें सारे स्टूडेंट आते हैं, स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये हमारा है बहुत खूबसूरत सा वेटनरी वालों का कॉलेज, सबसे अच्छा है और सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन है, इसको जो भी ग्रेड दूँ उतने कम ही हुआ। ये पशु वेटनरी वालों का कॉलेज चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ये काफ़ी अच्छा लैब है, मैं गया था देखने, ये काफ़ी बहुत अच्छा खासा बना है अंदर से और इसके लैब भी बहुत मस्त। यहाँ पर वेटनरी क्लिनिक है, यहाँ पर डॉक्टर लोग बैठते हैं, प्रोफेसर लोग बैठते हैं, जो यहाँ पर नॉर्मल किसान के वो आते हैं, जानवर वगैरह आते हैं जो जिनको ट्रीटमेंट करते हैं और अच्छा खासा कम प्राइस में भी इलाज करते हैं। तो ये वेटनरी काफ़ी अच्छा लगता है, इसके अंदर एक दिन मैं जाऊँगा भी और वीडियो भी शूट करूँगा, अच्छा भी लगेगा। और उसके बगल में है, अबे फिशरीज कहाँ चले गए, फिशरीज आगे हैं, अभी आगे आएगा मछली पालन मतलब फिशरीज विज्ञान, वो फिशरीज कॉलेज ऑफ फिशरीज। अभी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जाने वाले, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुल भैंस गाय बकरी भेड़ सभी दिखाएंगे, इसी में साथ में होते हैं मुर्गे मुर्गी और सामने वहाँ पर अलग अलग टाइप की वराइटियाँ, जैसे भैंस अच्छी होगी गाय की होगी वहाँ मिलेंगी, मुर्गी भी नहीं नहीं अपन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे 10 मिनट में आते हैं, अबे बहुत लंबा हो जाएगा तुम्हारा स्टोरेज भी फुल हो जाएगा अभी तुम्हारे कर देंगे। अबे कर तो दोगे तब तक वहाँ करोगे। अब हम लोग जा रहे हैं भैया वेटनरी में जहाँ पर पशुओं से भी रखे जाते हैं, काफ़ी मोटे मोटे ताजे ताजे पशु होते हैं इसमें, पशुधन परीक्षण यहाँ पर होता है, जो भैंस वैंस होते उनको वो क्या किया जाता है, अभी भैंस को गाभिन किया जाता है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो भैया ये हमारी भैंसें भैंसे हो गई, गाय वाय हो गई, साहिवाल का लाल लग रहा है, साहिवाल बोलते हैं साहिवाल, चलो भैया चलते रहो बस बस। ये सब बढ़िया अच्छे खासे बने हैं यहाँ का मज़ा आता है। ये उधर से भैया आगे आगे सारी बहुत अच्छी अच्छी गाय हैं, ये मुर्रा बुल है, ये भैया मुर्रा बुल बुल है ना साढ़, अबे भैया कितने अच्छे अच्छे साढ़ हैं यार, अरे भाई कभी कितने तगड़े तगड़े साढ़े, वाह भाई और कैसे हो बच्चे हो, ये भूसा गोदाम है, अबे आप कहाँ चल रहे हो तुम, अभी गाय है साहिवाल इसके अंदर, हाँ यार ये फिशरीज वालों का है। अब भैया हम लोग फिशरीज में जा रहे हैं जहाँ पर वो लोग मछली उछली रखते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते भी हैं खाते भी हैं, मज़ा भी आता है बहुत। मेरे फ्रेंड हैं काफ़ी फिशरीज में, ये फिशरीज वालों के लिए है, इसमें पानी निकाल दिया गया है कुछ वक्त तक, हाँ भैया इसमें से पानी वानी निकाल दिया गया है, इसमें मछली उछली काफ़ी सारी मिलेंगी। अभी फील्ड पर बहुत ज़्यादा मछली पालन के लिए बहुत से तालाब बने हुए हैं, फील्ड पर काफ़ी सारे बने हैं उस साइड में पूरब साइड में है ना, यस। अब हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं अपने, हॉस्टल नहीं अभी जा रहे हैं, अबे अभी तो गैया देखनी बाकी है भाई, ये गैया देखो ये कितनी मस्त मस्त है, जर्सी गाय है, ये बहुत दूध देती है, बहुत मज़ा आता है, अबे चलो चलो अंदर से चलो अंदर, वाह वाह भाई, अबे ये देखो कहाँ से हम लोग जा रहे हैं, अबे गैया कितनी मस्त मस्त बैठी है, अबे भाई और कैसी हो, एनिमल हस्बेंड्री वालों का डिपार्टमेंट, अबे भैया गैया गैया, अबे ये तो देख रही है, अबे अबे कितनी कम मस्त मस्त है, रुको रुको भाई रुको रुको, ये भैंस से दोनों साइड, अबे रुको 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 तो रुको तो भाई रुको तो रुको भाई साले, अबे बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर गैया भैंसियाँ हैं और सारी मतलब इनको कुछ मतलब बांधा वाधा नहीं है, बस ऐसे ही बस घूमती रहती हैं टहलती रहती हैं, सामने पानी वाला है पानी में रहती हैं, अबे रुको तो यार, और बहुत मज़ा आता है देखो पीछे देख रही है, अबे मारो मत यार मारना मत यार, उस साइड में गैया वाला है, ये तो भैंसी वाला है, ये इसमें मुर्रा भैंसी, चलो भैया हम लोग चलते हैं अब, अबे और कैसी हो भूखी हुई कितना है भैया, अरे मस्त मस्त, और अबे देखो देखो वे कैसे कैसे देख रही हैं, चलो भैया हम लोग फिर से निकलते हैं, बहुत मज़ा आता है यार, बकरी वाले में चलना है, बकरी वाले में मत चलो यार मज़ा आ जाएगा यार, पर इस साइड में मुर्गी उर्गी का है, अरे भैया मेरा हाथ दर्द करने लगा फ़ोन पकड़ के यार,
यहाँ पर वेट वेट नापते हैं भैंसों का, गैयों का, उनके हिसाब से चारा वारा देते हैं उनको। और ये रहा भैया फिर से गैयों का, इतनी डेंजर वाली गैया होती हैं इसमें आती हैं, जैसे बच्चे बच्चे हो गए वो इसमें रखे जाते हैं। अबे अंदर चले मज़ा आएगा, अबे बहुत बदबू आएगी, रहने दे अंदर मत भाई कर। अबे भाई इसमें छोटे छोटे से टुन्नू से, अबे तो टुन्नू से है ना। और भाई सब ठीक है, चाय नाश्ता करके चाय में चीनी कम। और भाई ये भैया गैया का सामने, और ये सारे भैंसों के हैं, ये गाय के। और भाई देखो ये कितने तगड़े तगड़े मस्त मस्त। अबे उधर बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर आने से। देखो 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 साला ये, अबे अबे भाई और आ गए भाई, आ गए आ गए सामने, मतलब बहुत सारे हैं। अभी ये देखो सो रहे हैं। हाँ अबे चलो भैया ये बहुत इनको जल्दी हो रही है। अबे रुको 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 बे, ये देखो पानी पीने जा रहा है साला छोटा सा बबुआ। देखो पानी पी रहा है वे, इनको इनको कोई मतलब कि कुछ भी करे इनको मतलब कि कोई, आराम से जल में काटते हैं बस। ये देखो कड़कनाथ है, एक कड़कनाथ मुर्गे की वैरायटी। ये भैया कड़कनाथ है, अंदर रखी हुई है काली काली। अंदर चले। हाँ जाओ। अबे कोई कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं। हाँ भैया काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर है। ये कड़कनाथ है ना? हाँ ये कड़कनाथ है। काली काली है, ये लड़ने में बहुत माहिर है ना। नहीं, इसका मांस मतलब उसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए। इसका मांस भी, कलर भी और ब्लड भी, इसका ब्लड इसमें प्रोटीन मतलब इसके मांस में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये कौन सी वैरायटी? ये असील, असील होगा। असील? ये असील नहीं है भाई, असील नहीं है। कौन सा है? असील नहीं है। रेड कॉर्निश वैरायटी है। रेड माने लाल लाल, और कॉर्निश इसका मतलब जो ओरिजिन ग्लेस होगा वो। मुझे पता नहीं, ये काफ़ी सारी पता नहीं कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अंडे भी काफ़ी पड़े हुए हैं। ये देखो भाई अभी पर थोड़ी सी बदबू आ रही है यार, इतना तो मानना पड़ेगा भाई। और अच्छी हो, खाना वाना मिला कि नहीं? अरे बहुत सारे हैं इसमें, मुझे कड़कनाथ नहीं मिली है अभी वैरायटी। एक में अंडे भी पड़े थे वो देखो सामने, अंडा पड़ा, और एक में बहुत सारे पड़े थे अंडे। चलो इनका टेम्परेचर तो कुछ है नहीं ना, ये अपनी देसी है ना बिल्कुल। ये देखो वहाँ पर काफ़ी सारे अंडे पड़े हैं। यस, ये देखो यहाँ पर ऊपर बैठी है ये काली काली मुर्गियाँ। और ये भागने लगी, भागने लगी थे। अरे भैया कहाँ बताएं। चलो यहाँ से ये लोग अंडे भी वो करते हैं, क्या करते हैं उनका पैकेजिंग करते हैं। आगे भी, आगे भी यहाँ पर हाँ, ये टेम्परेचर के लिए यहाँ पर टेम्परेचर स्थिर रहता है, जैसे कोई अदरवाइज कहीं से भी लाई गई हो तो उनका भी यहाँ पर वो कर सकते हैं, यहाँ पर रख भी सकते हैं तो मरेंगे नहीं। चलो अब हम लोग हॉस्टल की ओर मूव करते हैं। हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं बस, वहाँ पर मेरी साइकिल खड़ी है, वो जो नीली नीली वाली है वो खतरनाक टाइप की साइकिल है वो खड़ी है। ये धूप के लिए बनाया गया है, और अंदर हम लोगों ने देखा था जहाँ पर अंडे अंडे रखे थे, ये धूप के लिए बनाया गया है। ये सारे चैम्बर ऐसे ही हैं, अंदर एक है छावनी के लिए और एक है धूप के लिए, दो पोर्शन में। धूप वाले में जाली वाली लगी जहाँ से जा ना सके। चलो भाई चलते हैं, 10-15 सेकेंड अब हम लोग जा रहे हैं। यार इसका कैमरा थोड़ा मतलब ऑटो पे सेट है, तो साला कैप्चरिंग में प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कत आती है, जैसे दूर का होता नेर का होता ये पता नहीं यार क्या क्या कर लेता। चलो भैया अब हम लोग जा रहे हैं, स्पीड वाले से निकलेंगे यहाँ पर, वेट पे ठीक होता है धीरे धीरे भैया चलना, बहुत स्पीड से हमारे भाई जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर इनको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ये अंतर्गत बातें हैं, और इनकी जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं वेटरनरी साइंस। वीवीएससी बोल सकते हो, वीवीएससी शॉर्ट फॉर्म है वेटरनरी। हमारा ट्रैक्टोना ग्रैंडे यानी कि सागौन का, हमारा सागौन है भैया, सागौन फॉरेस्ट है। अब टीक भी बोलते हैं ना इसको, टेक्नोना ग्रैंडिस इसका साइंटिफिक नेम होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीक। ये भैया आए फिशरीज वाले, यहाँ पर वेटरनरी का है भैया, सब सलाह अच्छे सर्जी लोग हैं। चलते रहो,
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये आ गया सुपरी द्वार होगा कॉलेज वाला, ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है, बहुत गंदा सा है साला ये, और इसको मैं ग्रेड दूँ तो सबसे कम ही दूँगा। हाँ यार अच्छा नहीं लगता यार, अच्छा नहीं लगता एरिया में भी बनाए। चलो भैया चलते रहो। और अब हमारा जा रहे हैं हम लोग हॉस्टल का सामने ही बस गेट है सीधा बिल्कुल फ्रंट में। सर जी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। चलो भैया चलते रहो, इस साइड बंद है। क्या क्या है ये? कैंटीन है ये। चलो भैया चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर। अभी हम लोग कल शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, बहुत ब्रह्मपुत्र मिला है हॉस्टल, हॉस्टल ब्रह्मपुत्र मिला है। यहाँ पर शिफ्ट हुए थे कल, यहाँ पर पुराने पुराने ट्रैक्टर वैक्टर रखे हुए हैं बहुत, काफ़ी ओल्ड ओल्ड टाइप के रखे हुए जो मुझे आगे दिखने वाले पर बिकेंगे नहीं, यहाँ पर असर जाएंगे। अब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, हॉस्टल आ गया हूँ।